बहुत कम लोगों में हिम्मत होता है अपने लाइफ की वाइल्डेस्ट ड्रीम को चेस करने की, और एलन मस्क उन्हीं में से एक है। अपना बनाया हुआ पॉपुलर मनी ट्रांसफर कंपनी पेपाल की बदौलत सिर्फ 31 साल की उम्र में वो एक मल्टी मिलेनियर बन चुके थे। एलन मस्क को रियल लाइफ आयरन मैन कहा जाता है, क्योंकि वो अपने कमाए हुए पैसों की मदद से हर वक्त कोशिश कर रहे हैं साइंस फिक्शन ड्रीम को रियलिटी में बदलने की। मस्क स्पेसएक्स कंपनी के भी फाउंडर है। इस कंपनी का अल्टीमेट एम है फाल्कन नाम का एक ऐसा रॉकेट तैयार करना, जिसकी मदद से एक दिन इंसान प्लैनेट मार्स पे जाके अपना कॉलोनी बना पाएगा। इसके अलावा मस्क एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार करने के लिए भी काम कर रहे हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया है हाइपरलूप। उनके इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि लोग अपने डेली लाइफ में साउंड की स्पीड के आधे स्पीड से ट्रैवल कर सके। एलन मस्क सिलिकॉन वैली में ऐसे सेकंड एंटरप्रेन्योर है जो कि ऐसे तीन कंपनीज के फाउंडर है जिनका मार्केट कैप $1 बिलियन से ऊपर है। उनके ये तीन कंपनीज है पेपाल, स्पेसएक्स एंड टेस्ला मोटर्स। एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क हर हफ्ते 80 से 100 घंटे काम करते हैं, मतलब हर दिन 12 से 16 घंटे। उनके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि रिस्क टेकिंग करेज, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग कैपेबिलिटी, प्रॉपर सेल्फ एनालिसिस एंड हार्ड वर्क उन्हें आज रियल लाइफ आयरन मैन बनने में सबसे ज़्यादा मदद किया है। 1971 में साउथ अफ्रीका में एलन मस्क पैदा हुए थे। उनके पैदा होने के कुछ साल बाद ही उनके मम्मी पापा का डिवोर्स हो जाता है। उनके पापा एक इंजीनियर थे और उनकी मम्मी, जो कि कनाडा में पैदा हुई थी, एक न्यूट्रिशनिस्ट थी। बचपन से ही साइंस फिक्शन एंड कंप्यूटर्स में एलन मस्क बहुत ही इंटरेस्टेड थे। 9 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर मिला था। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो खुद पूरा कोड लिख के ब्लास्टर नाम से एक वीडियो गेम बना डालते हैं और $500 में उस गेम को एक कंपनी को बेच भी देते हैं। 1995 में उन्हें कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रेस्टिजियस डॉक्टरल प्रोग्राम में एडमिशन लेने का मौका मिला था। वहां से उन्होंने एनर्जी फिजिक्स में अपना PhD कंप्लीट करने का सोचा था, लेकिन 1995 में तब इंटरनेट बूम शुरू हो चुका था और वो इस मौके को काम में लगाना चाहते थे। इसलिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 दिन क्लास करने के बाद वो वहाँ से ड्रॉप आउट करके अपना पहला कंपनी Zip2 कॉरपोरेशन शुरू करने का डिसीजन लेते हैं। ये एक ऑनलाइन सिटी गाइडिंग कंपनी थी जिसकी मेन टारगेट थी न्यूज़पेपर पब्लिशिंग कंपनीज, और अपने प्लान के मुताबिक कुछ ही दिनों में वो न्यूयॉर्क टाइम्स एंड शिकागो ट्रिब्यून दोनों ही कंपनीज के साथ उनके नए वेबसाइट पर डेटा प्रोवाइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में कामयाब बन जाते हैं। तब एलन मस्क का एज था सिर्फ 24 ईयर्स और उन्होंने अपना पूरा एनर्जी लगा दिया था अपनी पहली कंपनी को सक्सेसफुल बनाने में। एक टाइम था जब वो अपने रेंटेड ऑफिस, जो कि उनके कंपनी का हेडक्वार्टर था, वहाँ पे ही रहने लगे थे, क्योंकि उनके पास अलग से घर का किराया देने जितना पैसा नहीं था। एक फटे हुए सोफे पे सोकर उन्हें रात गुजारना पड़ता था और लोकल जिम में जाके वो नहाया करते थे, क्योंकि एक घर रेंट में लेने से वो ज़्यादा सस्ता था। फरवरी 1999 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर कॉरपोरेशन मस्क की Zip2 कंपनी को $307 मिलियन देके खरीद लेता है, जो कि उस समय इंटरनेट बिजनेस सेक्टर में लार्जेस्ट कैश डील था। मस्क का 7% शेयर रहने की वजह से इस पैसे में से उन्हें $22 मिलियन अपने हाथ मिला था, जिसके जरिए सिर्फ 28 साल की उम्र में मस्क एक मिलेनियर बन चुके थे। तब अगर वो चाहते तो एक खूबसूरत सा आइलैंड खरीद के रिटायर होके वहाँ पे अपनी बाकी की लाइफ लग्जरियस तरीके से बिता सकते थे, लेकिन 1999 में उस पैसे में से $10 मिलियन इन्वेस्ट करके वो और एक नई कंपनी शुरू करते हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया था X.com। ये एक ऑनलाइन बैंक के जैसा था, जिसका मेन एम ये था कि कंज्यूमर्स को एक फुल रेंज ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना। उनके इस कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण खोज था कि कैसे किसी का ईमेल एड्रेस यूज करके सिक्योरली ऑनलाइन मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। मस्क का Zip2 कॉरपोरेशन में सक्सेस की वजह से उन्हें अपने इस नई कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट मिलने में आसानी हुआ था। दिसंबर 1999 में न्यू कस्टमर्स के लिए एक बेहतरीन ऑफर के साथ X.com शुरू हुआ था। ऑफर ये था कि अगर कोई X.com पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उन्हें $20 एज अ गिफ्ट कार्ड मिलेगा, और अगर वो अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हैं और उनके फ्रेंड्स भी अगर X.com पे अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो पर रेफरल के लिए उन्हें $10 करके मिलेगा। सिर्फ 2 महीने में X.com 1 लाख कस्टमर बेस बनाने में कामयाब बन जाता है। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग की सिक्योरिटी को लेके लोगों में जो डाउट था, वो X.com के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था,
जब एलन मास्क खुद और X.com के दूसरे ऑफिशियल्स भी ये मानने पे मजबूर हुए थे कि कुछ कंप्यूटर हैकर्स इलीगल तरीके से बैंक अकाउंट से पैसा X.com की अकाउंट में ट्रांसफर करने में कामयाब बन पाए थे। ताकि इस चीज को इमीडिएटली रोका जाए, इसलिए X.com एक नया पॉलिसी चालू करता है जहाँ पे ये कहा जाता है कि X.com अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने से पहले अकाउंट होल्डर को एक कैंसिल चेक सबमिट करना होगा, जिस वजह से कंपनी की फ्यूचर को लेके सभी चिंता में पड़ गए थे। मार्च 2000 में X.com कन्फिनिटी नाम से एक कंपनी को खरीद लेता है जो कि पेपाल नाम से एक इंटरनेट मनी ट्रांसफर प्रोसेस शुरू किया था, और फिर X.com का नाम बदल के पेपाल रख दिया जाता है। इस टाइम पे 2001 में ईबे वेबसाइट की पार्टनर बनने का मौका मिलने की वजह से पेपाल बहुत तेजी से ग्रो करने लगता है। इसके कुछ ही दिन बाद 2002 में $1.5 बिलियन देके ईबे पेपाल कंपनी को खरीद लेती है। उस टाइम पे मास्क पेपाल का लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे, उनका शेयर था 11.5%, और इसलिए इस डील से उन्हें $165 मिलियन मिला था। फिर से उनके पास मौका था, अगर वो चाहते तो तब एक नहीं बल्कि कई सारे आइलैंड खरीद के वहाँ पे अपनी बाकी की लाइफ लग्जीरियस तरीके से बिता सकते थे। लेकिन उनका सोचने का तरीका दूसरे नॉर्मल लोगों से बिल्कुल ही अलग था। तब तक मास्क ऑलरेडी अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ चुके थे। जून 2002 में उन्होंने SpaceX कंपनी शुरू किया। बचपन से ही प्लैनेट मार्स पे कॉलोनी बना पाने की प्रोबेबिलिटी को लेके वो क्यूरियस थे। उनके प्लान मुताबिक उनका ये ड्रीम पूरा करने का बजट था $20 मिलियन। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि स्टैंडर्ड डिलीवरी मेथड से अगर उन्हें कुछ स्पेस में भेजना है तो उन्हें बोइंग कॉर्पोरेशन की डेल्टा रॉकेट की मदद लेना होगा, जो कि उनकी बजट में एक्स्ट्रा $50 मिलियन ऐड कर देगा। यहाँ तक कि मास्क रशिया से एक रॉकेट खरीदने का भी सोचे थे। लेकिन बाद में वो ये सोच के देखते हैं कि जो लोग अंडरग्राउंड या इलीगल आइटम्स को लेकर ट्रेड करते हैं ऐसा माना जाता है, उस रशिया से रॉकेट खरीदना काफ़ी रिस्क हो जाएगा। इसलिए मास्क डिसाइड करते हैं कि वो खुद अपने लिए एक रॉकेट बनाएंगे। उनके इस इम्पॉसिबल ड्रीम के लिए इन्वेस्टमेंट पाने के लिए उन्हें एक बहुत ही कठिन समय का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से आखिर में वो खुद ही अपने पैसों से $100 मिलियन इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। और ऐसे ही किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा वर्ल्ड्स फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट बनाने का मिशन शुरू हुआ था। इसके बाद फिर एलन मास्क और उनकी टीम मिलकर फाल्कन रॉकेट बनाने का काम शुरू कर देते हैं। फाल्कन नाम लिया गया है स्टार वॉर्स मूवीज के मिलेनियम फाल्कन स्पेसक्राफ्ट से। उनका एम था एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज करके ही लोएस्ट पॉसिबल बजट में एक ऐसा रॉकेट तैयार करना जो कि रीयूजेबल हो। 2006 टू 2008 के अंदर फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में फाल्कन फेल हो गया था। 28 सितंबर 2008 में फाइनली 4th अटेम्प्ट में फाल्कन 1 ऑर्बिट तक पहुंचने में कामयाब होता है। अगर इस 4th अटेम्प्ट में भी वो लोग फेल हो जाते तो SpaceX कंपनी का नामो निशान पूरी तरह से मिट जाता। SpaceX की सक्सेस को देखते हुए इसके बाद नासा ने SpaceX के साथ $1.6 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। जब एक इंटरव्यूअर ने एलन मास्क से पूछा कि वो हमेशा हाई रिस्क एंड हाई एम्बिशियस प्रोजेक्ट से क्यों चुनते हैं, तो मास्क ने कहा था, मैं बस फ्यूचर के बारे में सोचकर दुखी महसूस नहीं करना चाहता। हम सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ट्रेड बन चुका है, और अगर हमें इससे बचना है तो जितनी जल्दी हो सके हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन हम बस उस फ्यूचर के बारे में सोचकर दुखी महसूस करने के अलावा और कुछ नहीं करते। लेकिन एलन मास्क ऐसे जीना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने टेस्ला मोटर्स शुरू किया, जो कंपनी कमर्शियली वायबल इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए काम कर रही है, ताकि जितनी जल्दी हो सके हम पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर पाए। 2016 में मास्क सोलर सिटी कंपनी खरीद लेते हैं। सोलर सिटी USA में लीडिंग सोलर पावर प्रोवाइडिंग कंपनी है, और 2017 में वो सोलर रूफ नाम से एक बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो कि एक अफोर्डेबल सोलर एनर्जी जनरेशन प्रोडक्ट है। इसके अलावा वो न्यूरालिंक कंपनी के भी CEO है, जो कंपनी एक ऐसा अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ ब्रेन मशीन इंटरफेस तैयार करने का काम कर रही है जो कि ह्यूमन ब्रेन के साथ डायरेक्टली कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकेगा। इसके अलावा भी मास्क द बोरिंग कंपनी के भी फाउंडर एंड CEO है। उनका ये कंपनी हाई स्पीड टनलिंग टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसा सुपर फास्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने का काम कर रही है जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावर ड्रिवन होगा, जिससे कि सिटीज में अनबियरेबल ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिले।
एलन मस्क 21st सेंचुरी के ऐसे एंटरप्रेन्योर है जो कि अनबिलीवेबल आइडियाज को रियलिटी में बदलने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक, फेलियर इज एन ऑप्शन हियर, इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग एनफ। अगर आप इस रियल लाइफ आयरन मैन के बारे में और भी डिटेल्स में जाना चाहते हो तो आप एशली वैंस का लिखा हुआ एलन मस्क बायोग्राफी बुक पढ़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके आप इस बुक को खरीद सकते हो। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी इंस्पिरेशन मिली हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी एलन मस्क की लाइफ स्टोरी से इंस्पायर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बैटर लाइफ।